एंड वेलकम टू हकीकत कुछ और है। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपका हमेशा ध्यान रहता है कि प्रीमियम कितना हमें मिला है, तो प्रीमियम पर आपका ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम से ही तो इनकम आने वाली है। लेकिन एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपका ध्यान नंबर ऑफ पॉलिसीज पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर जानकारी हमें देने वाले हैं द वन एंड ओनली मिस्टर लाजरस डायस। लाजरस जी, मैं आपका हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो लाजरस जी, एज एन इंश्योरेंस एजेंट किसी का भी ध्यान जो है वो प्रीमियम पर रहता है, क्योंकि इनकम तो प्रीमियम से आने वाली है। लेकिन आपके हिसाब से एक इंश्योरेंस एजेंट का ध्यान पॉलिसीज पर भी होना चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंस है नंबर ऑफ पॉलिसीज का एक इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस? तो नॉर्मली क्या है कि इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रीमियम साइज, अगर आपको टीओटी करना है, सीओटी करना है, एमडीआरटी करना है, तो आपका प्रीमियम साइज आपको बढ़ाना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रीमियम साइज बढ़ना चाहिए, और प्रीमियम साइज बढ़ाएंगे तो ही फिर ये होता है। बट साथ ही साथ मुझे क्या लगता है कि आपको अगर एक बार सक्सेस चाहिए तो प्रीमियम पे फोकस करें, बट अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब साल साल एवरी ईयर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रेगुलरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको अगर परफॉर्मेंस करना है, तो फिर खाली प्रीमियम पे फोकस करके नहीं चलेगा। और इसके ऊपर मैंने एक मतलब एक प्रोजेक्ट भी किया था जिसमें एक टीओटी एजेंट है जो नॉर्मली बहुत बड़ा टिकट साइज वाला मतलब पॉलिसीज करता था, पॉलिसीज बहुत कम थे, और वो उसका ऐसा है ना, लाइफ में बिल्कुल टोटल स्ट्रेस था, क्योंकि जब नंबर ऑफ पॉलिसीज कम होते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो मतलब बहुत उसमें स्ट्रेस था। जब वो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया तो मैंने उनको एक बहुत ही अलग ही हटके यू नो आइडिया दिया कि मैं बोला एक काम करो, अभी कि आप जो 5 करोड़ 6 करोड़ वाले लोगों को मिलते हो, और एक एक बंदे को मिलने के लिए वो जब जाता था 5-5 घंटे उसको यू नो बाहर रुकना पड़ता था, और मतलब कभी कभी वापस जाना पड़ता था फिर, तो मतलब और क्या है, 2-4-5 मीटिंग पर वीक होता। तो मैंने उनको बोला हमें इसको चेंज कर देंगे, और वो चेंज मैंने ये किया कि उनको एक तो सिर्फ पेडा रोड नेपंसी रोड जो है वही एरिया में मैं बोला उनको कैनवस करो, 6 करोड़ 5 करोड़ वाले लोगों को मिलने के बजाय 25 लाख वाले लोगों को मिलो, बट मीटिंग 18 करोड़ पर मंथ यू नो, तो ज्यादा लोगों को मिलो, और उससे क्या होगा कि आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा। और सही मायने में रंजीत, उस बंदे ने नेक्स्ट ईयर डबल टीओटी किया। अच्छा, मतलब प्रीमियम साइज इतना डाउन हो गया उसका, इतना डाउन हो गया, बट उसका क्योंकि नंबर ऑफ, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहा था, नंबर वन। सेकेंड, जैसे जैसे जितने आप ऊपर जाते हो उतना ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाते हैं, लोगों का नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स और यू नो एडवाइजर ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा समय जाके मिलना पड़ता है, तो एक एजेंट जो है, अगर क्लाइंट यहाँ पर एजेंट यहाँ पर है तो उसको स्ट्रेस रहेगा, बहुत स्ट्रेस रहता है, बट अगर एजेंट यहाँ पर और क्लाइंट यहाँ पर है तो क्या होता है कि एजेंट को बहुत ही एम्पावरिंग सिचुएशन में वो जाके वो मतलब ये कर सकता है। तो वो एजेंट जब किसी के पास जाता था ना, तो लोग सब अरे नो उसका नाम लेके बोलते अरे वो आ गया, चलो चलो ये बंद करो, कम 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 सर प्लीज सिट डाउन, यू नो। तो मतलब वो जो एक ये, तो उसमें क्या हो गया कि उसका उससे इम्पोर्टेंस क्या हो गया कि नंबर ऑफ लाइव्स बढ़ गया, ओके, प्लस उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों से काम करना शुरू किया। आपको लगेगा कि पहले वो 6 मीटिंग करता था, बाद में 18 मीटिंग करता है, तो मतलब उसने एफर्ट बढ़ाया, बट मैं आपको मतलब शॉकिंग चीज है कि जब वो पहला टीओटी किया था एक बार भी हॉलिडे नहीं लिया, 24/7 वो काम करता था। सेकेंड टीओटी जब उसने किया, भले वो 18 मीटिंग करता था, फिर भी 4 बार यू नो एवरी क्वार्टर उसने 7-7 दिन का हॉलिडे लिया, हर संडे को वो काम बंद किया, मतलब इंश्योरेंस का काम बंद किया, फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ मस्ती करने लगा, और लॉन्ग हॉलिडे को भी 21 डेज का गया, और वो कहता है कि सेकेंड टीओटी जो हुआ वो इतना स्ट्रेसलेस और स्ट्रेस फ्री हो गया कि बेसिकली स्टार्टेड एंजॉयिंग। मतलब क्या है कि तो ये एक मतलब एक एक बहुत शॉकिंग ये था, बिकॉज मुझे, मैं एक दुखी आत्मा को एमडीआरटी बना सकता हूँ, बट एक टीओटी को डबल टीओटी बनाना मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। और ये ऐसा ही मैंने मतलब, क्योंकि यू नो सक्सेस हैबिट्स के बारे में जो मैंने बुक्स लिखा है उसका फिलोसफी को लेकर मैंने जब इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा जैसे आज अगर नंबर वन टॉप एजेंट्स को अगर आप देखेंगे, उनका नंबर ऑफ लाइव्स बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि उनको स्ट्रेस नहीं रहता है ना, 1000 पॉलिसीज करते हैं, तो जो लोग 1000 पॉलिसीज करते हैं उसके 60 टीओटी करते हैं ना, उनका कंसिस्टेंसी, तो मुझे लगता है प्रीमियम बढ़ाना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका जो बेस है
वो बहुत ये होना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक सो लाजर जी, अगर नंबर ऑफ पॉलिसीज पे अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो इससे इंडिविजुअल को क्या इम्पैक्ट होता है और फिर कंपनी को क्या इम्पैक्ट होगा उससे? नहीं, कंपनी को भी वही इम्पैक्ट होता है, बिकॉज आपका एवरेज जो आप भले हायर लेवल करते हैं, आपका एवरेज टिकट साइज बढ़ जाता है, टिकट साइज बढ़ जाता है, बट ओवरऑल कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी जो है ना वो नहीं रहती है। तो इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट, अगर कंपनी को भी अगर देखेंगे तो पॉलिसीज में वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट पॉलिसीज, ये इंडस्ट्री में पॉलिसी पॉलिसी करते हैं, मुझे लगता है वो गलत चीज है। हमको नंबर ऑफ लाइव्स का बात करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का चार पॉलिसी निकालेंगे तो उनको चार हम गिनते हैं, करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट मुझे लगता है आईआरडी को भी ये जो ये यू नो स्टेटिस्टिक जो है वो चेंज करना चाहिए। खाली ऐसे पॉलिसी मतलब हम लोग दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो रियलिटी उसमें छुप जाती है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली एक नंबर ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा अगर होता है, या नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, करेक्ट यू नो करेक्ट कितने हाउस होल्ड में मैं डील कर रहा हूँ, वो अगर मेरा बढ़ जाता है तो एवरी ईयर जो है, जो इंडिया का टॉप सब एजेंट्स है ना, वो लोग हाउस होल्ड नंबर्स को बढ़ाते हैं कि कितने ओके लोगों को मैं सर्विस कर रहा हूँ, यू नो पॉलिसी ओके ऑटोमेटिक आ जाते हैं, यू नो इट्स नॉट। हम पॉलिसी के पीछे भागेंगे तो अलग चीज है, बट अगर हम हाउस होल्ड को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस तो आना ही है, क्योंकि आप करेक्ट सेवा प्रदान करते हो, सर्विस करते हो, एडवाइस करते हो, और अच्छा है। या परफेक्ट। सो वाकई में राजेश जी बहुत ही और इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है ना, एक चीज इसमें अगर आप देखेंगे, सडनली एक शॉकिंग चीज जो है एलआईसी के साथ हुआ 2014, ओके जो एक्चुअली पूरा इसको यू नो चेंज कर दिया। तो एक शॉक जो हुआ उसके रिलेटेड मैं यू नो ये स्टेटिस्टिक्स में बताना वो चाहूंगा। क्या की शॉक था 2014 शॉक ये में? था कि 2013 में आईआरडीए ने सब पॉलिसीज को विड्रॉ किया, तो एलआईसी का सबसे ज्यादा पॉलिसीज था 50 पॉलिसी, और सिर्फ उस समय पे 814 एक ही पॉलिसी नई वाली थी, और सब लोगों को अपना मतलब एलआईसी एजेंट्स ने क्या किया था, एक एक प्रोडक्ट को उनका चहेता बनाया था। तो लोग कोई जीवन आनंद में एकदम ये था, कोई आनंद सरल में में थे। था, कोई इसमें था, तो हर एक का अपना अपना एक प्रोडक्ट यू नो और पोजिशनिंग वाला। तो ये प्रोडक्ट सब विड्रॉ करने के बाद सडनली लोग एकदम खाली हो गए कि अभी मैं क्या करूं, यू नो। तो उनको क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचते थे, इस वजह से वो लोग जो है फिर क्लाइंट के पास नहीं जा सके। एक्चुअली एलआईसी का जो न्यू पॉलिसीज इश्यूड है ना लैक्स में, 345.12 था 2013-14 में, वो घट के 201 हो गया, मतलब 43% घट गया एक ही साल के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सिर्फ 2% से बढ़ा, फिर वापस 2% से घटा, फिर 6% से बढ़ा, फिर यू नो 0%, और फिर 2%। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे एलआईसी का जो है वो ऑलमोस्ट यू नो 34% आज भी माइनस है 2012 के तुलना में। तो 12-13 के तुलना में आज एलआईसी 34% अभी भी माइनस में। तो ये इसलिए माइनस में बिकॉज वो पॉलिसी सब विड्रॉ किए थे, और फिर लोगों को, अच्छा लोगों को क्या हुआ, क्योंकि लोग खाली पॉलिसी कॉन्सेप्ट नहीं बताते थे या प्लानिंग नहीं करते थे, वो सिर्फ पॉलिसी बेचते थे। तो जब पॉलिसी जब ये हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका यू नो ये चल गया। और उसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एकेडमी का जो उस समय पे एक छोटी सी जो बात हुई थी वो बहुत ही मतलब यू नो एक्साइटिंग है। वो एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि हमारे एकेडमी पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करती है, जितने लोग ट्रेनिंग करते हम लोग ट्रेनिंग करते हैं हम कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो क्या हुआ कि उस समय 2014 में बॉम्बे में करीबन 80% ब्रांचेज में टॉप 10 का जो मेरिट लिस्ट था उसमें सब हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि पॉलिसी निकालने के बाद भी वो कंफर्टेबली सेल कर रहे थे, बिकॉज वो लोग पॉलिसी पॉलिसी को लेकर नहीं सेल कर रहे थे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लेकर सेल रहे थे। पॉलिसी कुछ भी मतलब कोई भी पॉलिसी रहेगा वो लोग उसको एज अ सोल्यूशन दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट वाला सेलिंग है ना वो बहुत जल्दी हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये जो है ये कम होते जाएगा। नहीं तो तो अभी लाजर भी वो जी, शॉक से हम ये नहीं हुए, 34% आज भी माइनस में। नहीं तो 13-14 में आपने जो शॉक आपने बोला कि एलआईसी को लगा वहां पर नंबर ऑफ पॉलिसीज उन्होंने विड्रॉ की, तो ये विड्रॉ तो प्राइवेट कंपनी को भी करनी हुई होगी उस वक्त, तो क्या उन्हें फिर ये शॉक नहीं लगा नहीं उनको ये प्राइवेट करने का, में? हाँ प्राइवेट कंपनीज का क्या हुआ, उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं था उनके, नंबर 1। सेकेंड क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब रेगुलेशन आ गया, रेगुलेशन आ गया, देखो पहले सब आईआरडी ने क्या किया, फिर यूलिप निकाला, तभी प्राइवेट इंश्योरेंस को झटका लगा था, और एलआईसी इतना यूलिप में नहीं था।
फिर जो IRDA ने एंडाउमेंट पॉलिसी के ऊपर, नॉर्मल जो यू नो सेविंग बेस्ड पॉलिसी के ऊपर जो रेगुलेशन लाया, तभी प्राइवेट इंश्योरेंस ऑलरेडी सेविंग बेस में चले गए थे और वो लोग को पता था कि अभी एग्जैक्टली क्या करना है, तो अप्रोक्सीमेटली जो भी रूल आया उसके अंदर वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट को उन्होंने बिठाया था। इसके लिए प्राइवेट कंपनीज का उतना ये नहीं हुआ, फिर भी 2014 में प्राइवेट कंपनी का -10% हुआ, मतलब उनको भी इम्पैक्ट हुआ। बट वो लोग फिर नेक्स्ट ईयर 8% प्लस में गए, फिर 2% प्लस में गए, फिर 8% प्लस में गए, 6% प्लस में गए, तो उनका जो नेगेटिव इफेक्ट अगर है तो उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है पॉलिसी पे, उनका एक्चुअली 10% प्लस में है, 10% प्लस में। तो मतलब 2013 के तुलना में वो लोग 10% ज्यादा पॉलिसी किया। LIC ने 2013 के तुलना में अभी 34% अभी भी माइनस। परफेक्ट। सो लाजर जी, आपने आज जो चीजें हमें बताई है इससे समझ में आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ लाइव्स, पॉलिसी भी बोलूंगा, नंबर ऑफ लाइव्स का इंपॉर्टेंस कितना है और कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये दो चीजें एक इंश्योरेंस एडवाइजर के समझ में आ जाती है, नो डाउट उसके लिए बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक लेके जाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद लाजर जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए, और आपके मन में अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम जो है उस पर एक वीडियो बनाए तो वो भी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हम उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। अगले हफ्ते लाजर जी के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।